एक्सेलेंट एक्सेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंट एक्सेड एजुकेशन। आई एम योर एजुकेटर एंड आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द वेरी इम्पोर्टेंट आई मस्ट से वन द टॉपिक्स दैट विल टेक यू बोर्ड लाइक विच विल हेल्प यू लॉट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग session of your examination or we talk about grammar, right? That is preposition. Preposition हमें close passage में भी कभी कभी परेशान कर देती है, कभी कभी reading comprehension में भी कर देती है। आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है भाई। preposition को use करते हैं हम verbs के साथ काफ़ी बारी। जब phrasal verbs के साथ आती है preposition तो आप देखते हो कि एक verb और एक preposition साथ में अटैच है। काफ़ी बारी क्या होता है जब verb और prepositions होते हैं तो meaning, phrasal verbs की hidden meaning होती है। हर बार आप उसका meaning verb के meaning के according नहीं ले सकते। जैसे look up है, look after है, look into है, look at है, right? So there are many, give up, give in, take off, try on, right? So put up, put over, all of these phrases have different meanings. So basically, preposition उस समय भी परेशान करता है। तो हम prepositions के कुछ basic properties पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इस level तक भी आएंगे, phrasal verbs की भी बात करेंगे later on। चले तो हम बात करते हैं, अभी जो हम prepositions आपके साथ discuss करेंगे वो हम तीन prepositions एक साथ ले रहे हैं और वो तीनों prepositions में हम अंतर देखेंगे। जो तीन प्रेपोजिशन हम साथ ले रहे हैं वो है इन, ऑन एंड एट। अगर इन, ऑन, एट की बात करते हैं हम तो हम सबको पता है कि ये तीन प्रेपोजिशन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम तो बताते ही हैं। टाइम के, टाइम वर्ड के तरह तो इनका इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल पोजिशन या लोकेशन बताने के लिए भी किया जाता है। तो ये लोकेशन वर्ड या पोजिशन वर्ड के अकॉर्डिंग भी इनका यूज हो सकता है। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब समय की बात करते हैं तो इन तीनों में क्या अंतर आ जाता है। टाइम वर्ड के तरह इन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की। जब आप किसी लंबे ड्यूरेशन की बात करते हो आप इस्तेमाल करते हो इन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इन अ वीक, इन अ ईयर, इन अ मंथ और इन 1950, इन, अच्छा हम ऐसा भी कहते हैं इन द मॉर्निंग, राइट, इन द आफ्टरनून। व्हाई? बिकॉज एट दिस टाइम वी नो द ओरिजिन ऑफ आवर एक्शन, राइट। इन द मॉर्निंग ही वॉज सीन मोइंग द फील्ड इन द मॉर्निंग, उस समय देखा गया था, उस दौरान देखा गया था। तो जब आप ड्यूरेशन या ओरिजिन की बात करते हो किसी एक्शन की तो समय के अनुसार आप उसका इस्तेमाल इन से कर सकते हो। जबकि ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें डेज या फिर डेट्स को स्पेसिफाई करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ऑन मंडे, इवन वी से ऑन मंडे मॉर्निंग, on Wednesday evening. So this is how we can use when it comes to days. You have to use on. Even for dates you use it on 5th of September. In that case as well we'll use on, right? So for due days and dates we use on. अगर at की बात करते हैं तो at का इस्तेमाल होता है जब आपको exact time पता हो किसी action का। भाई कोई एक्शन किस समय हो रहा है आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम की पीरियड की बात नहीं करें, आपको सिर्फ एग्जैक्ट टाइम पता। जैसे हम कहते हैं एट 5 PM या हम कहते हैं एट 5 o'clock, राइट। तो इस तरह के फ्रेम्स होते हैं जहां पर आप इन, ऑन, एट का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ समय के अनुसार ये कैसे काम करते हैं। इन ड्यूरेशन के लिए आता है, ऑन डेज या डेट्स के लिए आता है और इन, एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए आता है। अगर आप इन तीनों को देखें, मैं जस्ट टेक अ स्नैप और जस्ट नोट इट डाउन बाय द टाइम। अब हम जो अगला इसका यूज देखेंगे इन, ऑन, एट का, देखो डिफरेंस हमने देखा। ऐसे क्या होता है अगर हम सेपरेट प्रेपोजिशंस पढ़े इन या ऑन या एट तो वो रिटेन नहीं हो पाते। ऑल्दो वी नो ये सिंपल प्रेपोजिशन, वी नो दीज, बट रिटेन करने के लिए डिफरेंस पता हो दैट गिव्स मोर क्लैरिटी एज टू व्हाट आई पर्सनली बिलीव।
The next thing that we will be discussing is about when these three are used as position word. जब इन्हें position या location बताने के लिए use करते हैं तब ये कैसे काम करते हैं भाई. इनका काम है आपको बताना कि भाई किसी enclosed place की अगर आप बात कर रहे हो या किसी enclosed space की अगर आप बात कर रहे हो तो in आता है. जैसे in the room, in the car, in the box, in the jar, all of this, in the room, in the classroom, in the hall. तो enclosed places के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं in. दूसरी बात, in का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई हम country, continents इन सब की जब बात करते हैं तब भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम in का. In India, in Asia, in Europe, right? In Australia, in America, all of these we use in. भाई on का इस्तेमाल कब करते हैं? When something, I'll just write it for you. Something is placed over something. जब किसी चीज को किसी चीज के ऊपर place किया जाता है. The marker is kept on my palm, right? I would I say in or on? On. This is on. Contact है. There's point of contact here. Using on because something is placed over something. जबकि at का इस्तेमाल करते हैं again when you know the exact position, exact I must say exact location of something. अगर आप किसी को for example आप market गए और आप रास्ते में कहीं खड़े हैं, आप किसी को कुछ location बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, तो आपने कह दिया I am standing at the roundabout. या आप किसी मैरिज हॉल में हैं और कोई व्यक्ति आ रहा है आपको आपको उसे अटेंड करना है, आपने कहा, उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं, आप कहते हो आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉल और आई एम स्टैंडिंग एट द डोर एट द गेट. ऑल दिस कैन बी यूज्ड व्हेन यू यूज व्हेन यू नो द एग्जैक्ट लोकेशन यू कैन यूज एट. तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट हो गया जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऑन हो गया. और अगर एनक्लोज या कंट्री कॉन्टिनेंट्स या प्लेसेस की बात करते हैं तब आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इन का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब हम इन और ऑन एट देख ही रहे हैं तो हम इन के साथ दो चीजों को जोड़ देते हैं. एक होती है टू प्रेपोजिशन, तो बन जाता है इन टू. ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं दो प्रेपोजिशन को जोड़कर बन जाते हैं, इसमें से ये एक जो है इन टू, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं. आई एम रेजिंग दिस, आई होप आई एम जस्ट ब्रशिंग इट ऑफ, आई होप यू मस्ट हैव टेकन नोट ऑफ दिस. इनटू की अगर बात करें, देखो इन का मतलब है इनसाइड, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक इस तरह से हम एक जॉट कर लेते हैं डायग्राम. हमने ये एक बकेट लिया, यहां पर बॉल ऑलरेडी रखी हुई है इस बॉक्स के अंदर या बकेट के अंदर. तो द बॉल इज इन द बॉक्स और इन द बकेट, इनक्लोज ऊपर से इनसाइड. तो इन इज इक्विवेलेंट टू इनसाइड, ठीक है ना. लेकिन जब इनटू की बात आती है तो याद रखिए इनटू जो है वो हमें क्या बताता है, मोशन टुवर्ड्स इनसाइड. या फिर इसको मैं और सिंपल शब्दों में कहूं तो ये आपको बताता है मूवमेंट. इनटू का इस्तेमाल होता है बताने के लिए मूवमेंट फ्रॉम आउटर स्पेस टू सम इनर स्पेस. जब भी आप बाहरी जगह से किसी भी इनर स्पेस में मूव करते हो आप इनटू का इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई स्टेप्ड ब्लैंक द हॉल और ब्लैंक द गार्डन. तो स्टेप आप मूव कर रहे हो, मूव मोशन टुवर्ड इनसाइड और मूवमेंट फ्रॉम आउटर स्पेस टू इनर स्पेस. जिस भी जगह पर आप एंटर करने जा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी जगह आउटर स्पेस कंसिडर की जाएगी. जब आप मोशन दिखा रहे हो तो आप इस्तेमाल करोगे इन टू. जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, माय ब्रदर जम्प डाइड इनटू द स्विमिंग पूल, राइट. ऑल ऑफ दीज वी यूज मोशन है क्योंकि आउटर स्पेस टू इनर स्पेस, इन दैट केस यू यूज इन टू. एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, हम काफी बार ऐसे कह देते हैं आई एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, आई एंटर्ड इनटू द रूम. दिस इज इनकरेक्ट, यू कैन नॉट यूज एंटर इज इट सेल्फ सफाइस. इसका इस्तेमाल नहीं होता एंटर के साथ. लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज ग्रामर, राइट, एक्सेप्शन प्रिवेल एवरीवेयर, सब जगह एक्सेप्शन मिल जाएंगे. तो एक एक्सेप्शन यहां पर भी है. एंटर शब्द के साथ इनटू का इस्तेमाल सिर्फ एक ही केस में हो सकता है
और वो केस है जब आप कोई अग्रीमेंट या कोई डील किसी के साथ ले रहे हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. आप खुद भी सोचिए हम क्या बात करते हैं. रीडिंग के सेंस से जाओ, जब हम स्पोकन में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हम क्या कहते हैं. आई एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद एबीसी लिमिटेड और विद कपूर लिमिटेड, विद कपूर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और सो एंड सो विच एवर कंपनी इज इट इट इज. सो जब आप अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, डील हो रही है कोई, तो आप एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हो उस वक्त. अदरवाइज डोंट यूज इट. आप स्टेप कर रहे हो कहीं, घर में कहीं मूव करते हो, एंटर कर रहे हो रूम में, हम ये नहीं कह सकते आई एंटर इनटू द क्लासरूम, आई एंटर इनटू द रूम, आई एंटर इनटू द गार्डन वॉशरूम. नो, आई एंटर द रूम, दैट्स इट. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. इनटू टॉक्ड अबाउट इन ऑन एट एज इन टाइम वर्ड एंड लोकेशन, और फिर हमने बात की अबाउट इनटू. तो इस तरह से ये तीन और ये चौथी प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की. दीज आर फोर प्रेपोजिशन दैट वी डिस्कस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशंस. अगले भी दो सिंपल प्रेपोजिशंस लेते हैं, बहुत सिंपल प्रेपोजिशंस ले लेते हैं हम, विच इज बाय एंड विद. ठीक है, हम बात करते हैं बाय और विद की, जो बहुत ही सिंपल है. इधर तो कुछ करना ही नहीं, बहुत आसान है भाई. विद का एक मीनिंग होता है किसी के साथ, वो बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल होता है. लेकिन विद का एक और मीन, एक और यूसेज होता है भाई. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा राहुल वॉज मर्डर्ड ब्लैंक मी ब्लैंक ए नाइफ. एक्शन ये जो मर्डर करने का हुआ, ये जो एक्शन हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है? मेरे द्वारा. किस चीज को इस्तेमाल किया मैंने? नाइफ को इस्तेमाल किया. जब भी कभी एक्शन किसी पर्सन या किसी एजेंट के थ्रू होता है, मार्क दिस, प्लीज मार्क दिस, मेक नोट ऑफ दिस. व्हेन एवर एक्शन इज डन और व्हेन एवर एक्शन इज डन बाय अ पर्सन और एन एजेंट, आप बाय का इस्तेमाल करते हो. लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्शन हो रहा है, आप विद का इस्तेमाल करते हो. व्हेन एन एक्शन इज डन बाय अ पर्सन और एन एजेंट, यू यूज बाय. बट वही एक्शन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रहा है, उस चीज को इस्तेमाल करके, तब आप इस्तेमाल करते हो विद. इज इट ओके? दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, रावण वॉज किल्ड बाय राम विद एन एरो. राइट, सो विद एन एरो दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, बाय राम दैट इज पर्सन एजेंट जिनके द्वारा वो एक्शन किया गया. तो बाय जब एक्शन किसी पर्सन या एजेंट के थ्रू होता है, और विद तब जब एक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है. दिस इज द यूसेज ऑफ बाय एंड विद. विद का मतलब किसी के साथ भी होता है, आई विद माई पेरेंट्स, राहुल विद हिज फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट, दैट इज अ कैजुअल यूज, यूज विद फॉर इन द सेंस ऑफ टुगेदरनेस. राइट, ऑल्सो ऑल्सो बाय का इस्तेमाल हम करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने के लिए. बाय का दूसरा यूज है, वन इज this, second is you use by when it comes to, you have to talk about mode of transport. तो आप mode of transport की बात करते हो, आप क्या बोलते हो? By car, by plane, by taxi, by bus, right? In all these cases, just remember one thing, you don't use an article. By a car नहीं हो सकता, by a taxi नहीं हो सकता, it is by car, by plane, by bus, by taxi. Error ज्यादातर ऐसे ही देते हैं, article लगा देते हैं वहां पर. तो don't panic or don't get confused, you cannot use article there. Is it okay? So this is how you use by and with. हमने छह prepositions की बात की अभी आपके साथ. अगले session में इस session को आगे बढ़ाएंगे, prepositions और preposition discuss करेंगे कि किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं. Till then practice this. Thank you. अगर आपको ये video पसंद आया तो इसे like करें, share करें और subscribe करें.